वेलकम टू मॉमीज प्लानेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चे हमारे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो हम उन्हें कैसे खिलाएं। तो ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। ये मैं घर में भी बनाती हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैं लौकी का इस्तेमाल करती हूँ, इसमें आप चाहें तो अनेनुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे स्पॉन्ज गार्ड बोलते हैं, और भी किसी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। तो ये है लौकी का पराठा। जी हाँ, आपने लौकी की सब्ज़ी ज़रूर सुनी होगी, लौकी का खीर सुना होगा, लौकी का हलवा सुना होगा, पर पराठा आई एम श्योर आपके लिए ज़रूर नया होगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, यकीन मानिए अगर इस तरह से आप बच्चों को बना के खिलाएंगी तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा इसमें लौकी है। लौकी के जो भी फ़ायदे हैं वो बच्चों के शरीर में मिलेंगे, जैसे अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, फ़ाइबर उनके शरीर में भरपूर जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। चलिए फटाफट ये वीडियो देखते हैं और सीखते हैं कि बच्चों के लिए हम लौकी का पराठा कैसे बनाएंगे। एक चीज़ और, वीडियो अगर पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, देखते रहना है मॉमीज प्लानेट इंडिया। लौकी का पराठा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लौकी, आप चाहे तो इसकी जगह नेनुआ भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे चूँकि चार पराठा बनाना था तो मैंने एक बाउल लौकी लिया है, और इसे हम महीन पीस लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। अगर आप चाहें बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद आटा लेंगे, आटा आप अपने हिसाब से ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कुछ मसाले। जी हाँ, मैंने यहाँ पे अजवाइन, मंगरेल, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ और भी मसाले बढ़ा सकते हैं, बट ये बेसिक मसाले जिनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि लौकी का टेस्ट भी और पराठा काफ़ी चटपटा लगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने जो आटा लिया है उसमें सारे मसालों को अंदाज से हम डालेंगे। इसके बाद हमने जो फाइन प्यूरी बनाया हुआ लौकी का उसके हेल्प से हम आटे को गूंथ लेंगे। जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप नेनुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी फाइन प्यूरी बना सकते हैं, या फिर कोई और वेजिटेबल जो स्पॉन्जी होता है, जो वाटरी होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आटा गूंथ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो फाइन प्यूरी बने बनाया हुआ है उसमें हम आटा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी ये प्यूरी काफ़ी मॉइस्ट है, तो इससे आटा काफ़ी मॉइस्ट हो जाता है। इस तरह से कुछ हम आटे को गूंथ लेंगे और इसके बाद हम पराठा बनाएंगे। पराठा एकदम राउंड बना सकते हैं आप, ट्राइंगुलर बना सकते हैं, जो भी शेप आपके बच्चे को पसंद हो, लेकिन थोड़ा सा मोटा बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ही सूखा सूखा लगेगा। तो हल्का सा मोटा इसे हम बेल लेंगे और इसे कुछ इस तरह से तवे पे सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, घी क्योंकि मेरी बेटी को घी का टेस्ट पसंद आता है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा पराठा तैयार हो जाता है। इसके बाद आप मनचाहे शेप में इसे काट के दही के साथ परोस सकते हैं। तो मैंने यहाँ ट्राइंगुलर शेप में काटा है और इसको दही के साथ परोस के दिया है। तो ये कुछ तरीका है बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल खिलाने का। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एक बार इस तरह ज़रूर बनाएं। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना, तो प्लीज़ इस तरह अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाएं। कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक बार इस तरह से उनके लिए पराठा या रोटी ज़रूर बनाएं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, टेस्ट भी नहीं आएगा और उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये रहा आज का वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और देखते रहें मॉमीज़ प्लानेट इंडिया। थैंक यू।